हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन एमबीपीएससी प्रिपरेशन। माय नेम इज आदित्य दुबे। आज से मैं न्यू सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है डेली एमबीपीएससी एमसीक्यू सीरीज। ये पार्ट वन रहेगा। इसमें मैं डेली करंट अफेयर और साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीके भी कवर करने की कोशिश करूंगा। ये सीरीज बिल्कुल रेगुलर रहेगी और ये बाकी जो रेगुलर वीडियोज में अपडेट करूंगा उससे काफी अलग रहेगी। ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि द डायरी ऑफ डोमेस्टिक डीवा की ऑथर कौन है। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि हमारे एमपीपीएससी में जनरली बुक और ऑथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो कुछ बुक्स और कुछ ऑथर मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं जो इस एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और साथ ही साथ इस साल के करंट अफेयर से डील करते हैं। तो सबसे पहला इसका आंसर मैं बता दूं, द डायरी ऑफ डोमेस्टिक डीवा की ऑथर है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी जी द डायरी ऑफ डोमेस्टिक डीवा की ऑथर है ही, लेकिन साथ ही साथ ये स्वच्छ भारत मिशन की भी ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया की। ओके, अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की तो ये है अनुष्का शर्मा कोहली। तो अनुष्का शर्मा कोहली जी हैं ब्रांड एम्बेसडर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। और अगर दिव्यांका त्रिपाठी जी की बात की जाए तो ये इनको रिसेंटली मध्य प्रदेश रत्न सम्मान से नवाजा गया है। अगर चौथे ऑप्शन की बात की जाए तो अनुकीर्ति वास, जो कि अभी रिसेंटली मिस इंडिया कॉन्फर की गई, मिस इंडिया बनी, फेमिना मिस इंडिया 2018, जिनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ओके, तो ये कुछ फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश रत्न सम्मान किसको मिला। अब जैसा मैंने आपको बताया कि दिव्यांका त्रिपाठी जो कि एक मशहूर टीवी अभिनेत्री हैं, उनको रिसेंटली मध्य प्रदेश रत्न सम्मान से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है कि मेरे सपनों का भारत इनमें से किसने लिखी, मीन्स हु ऑथर्ड द बुक मेरे सपनों का भारत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है। इसका सही आंसर मैं बताना चाहूंगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विच इज तरुण विजय। तरुण विजय जी ने मेरे सपनों का भारत लिखी है और ये एक कंपाइलेशन ऑफ इंटरव्यू है जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर जितने भी इंटरव्यूज उनके हुए हैं उनका एक कंपाइलेशन है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे सपनों का भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं लिखी है, तरुण विजय जी ने लिखी है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जितने भी इंटरव्यूज हैं उनका एक कंपाइलेशन है। ओके, अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। ओके, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम वॉरियर्स। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हु ऑथर्ड एग्जाम वॉरियर्स या नरेंद्र मोदी जी ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है। तो सही आंसर है एग्जाम वॉरियर। अब बात की जाए चौथे ऑप्शन की, जो है संजय बारू। तो संजय बारू जी ने लिखी है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ओके, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और अभी रिसेंटली इनके ऊपर एक इसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली है जिसकी एक्टिंग मशहूर एक्टर अनुपम खेर जी करेंगे। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, जर्मनी के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो इसका सही आंसर है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमर। अब आप जनरली कंफ्यूज होते हैं एंजेला मर्केल से, तो एंजेला मर्केल जर्मनी की प्रेसिडेंट नहीं है, वो वहां की चांसलर है। अगर बात की जाए प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी की तो वो है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमर। ओके, अगला ऑप्शन अगर देखा जाए मून जे इन, तो मून जे इन जो जी हैं वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। और अगर एडवर्ड फिलिप की बात की जाए तो ये हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका सही आंसर क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी इज फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमर। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, मणिपुर के वर्तमान चीफ मिनिस्टर मींस मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नोंग थोम्बन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह जी करेंट चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के। अब इसके एसोसिएटेड मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं कि मणिपुर में कुछ ही समय पहले बीजेपी की सरकार फॉर्म हुई थी। तो रिसेंट इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए मैं कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये पहले सीएम बने हैं मणिपुर के जो बीजेपी के सीएम कहलाए, मतलब द फर्स्ट सीएम बिलोंगिंग टू बीजेपी मींस भारतीय जनता पार्टी इन मणिपुर। तो फर्स्ट मणिपुर सीएम फ्रॉम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए जगदीश मुखी जी की, तो ये एक्टिंग गवर्नर हैं मणिपुर के। अब एक और फैक्ट आप जानते होंगे जनरली, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज करा दूं जिनको नहीं पता, कि जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाता है गवर्नर। और इससे क्या साबित होता है, मींस नोंग थोम्बन बीरेन सिंह जी को शपथ दिलाई थी जगदीश मुखी जी ने, लेकिन ये मणिपुर के परमानेंट गवर्नर नहीं थे, ये सिर्फ एक एक्टिंग गवर्नर अपॉइंट किए गए थे।
अगर बात की जाए तीसरे ऑप्शन की जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं सीएम ऑफ उत्तराखंड, ओके सीएम ऑफ उत्तराखंड, ओके। और अगर लास्ट ऑप्शन की बात की जाए एच डी कुमार स्वामी, तो ये हैं सीएम ऑफ कर्नाटका, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। तो सीएम ऑफ कर्नाटका इज एच डी कुमार स्वामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत इज द सीएम ऑफ उत्तराखंड, जगदीश मुखी इज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ मणिपुर, बाइल द एन बीरेन सिंह इज द फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, ओके। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, और मैं डेली ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू करूंगा, इसके साथ ही मैं अलग वीडियो सीरीज भी कंटिन्यू रखूंगा। और आई अपोलोजाइज क्योंकि मैं कुछ समय से वीडियोस अपडेट नहीं कर पाया था, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन सम सीरियस इशू, क्योंकि मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया था उसमें। और अभी अब सब कुछ ठीक है, तो मैं डेली वीडियो अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। यदि आप इस चैनल से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ या कोई भी अपडेट चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/AdityaDubeMPPSC, ओके। इसके अलावा अगर आप मेरे से फेसबुक में भी जुड़ना चाहते हैं, तो फेसबुक की भी लिंक है facebook.com/AdityaDubeMPPSC, ओके। जो भी पीडीएफ अपडेट होती हैं मैं टेलीग्राम में जरूर करूंगा, टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको कोई पीडीएफ अपडेट चाहिए या कोई भी अदर अपडेट मेरे चैनल से रिगार्डिंग चाहिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ, हैप्पी प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय।